दोस्तों, मनोरंजन की दुनिया इतनी ग्लैमरस है कि कहीं ना कहीं बचपन में एक एक्टर बनने का सपना तो हम सबने ही देखा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे महज एक सपना समझकर भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे वास्तविकता में बदलकर एक ग्लैमरस लाइफ व्यतीत करते हैं। ऐसी ही एक अदाकारा है आर्य रोहित, जो बचपन से ही फिल्म और टीवी की दुनिया में अपना एक नाम बनाना चाहती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो नेस्ले मंच स्टार्स नामक एक डांस शो से की थी, पर देखते ही देखते वो मलयालम फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन गई। दोस्तों, आर्या एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल, टीवी प्रेजेंटर और एंटरप्रेन्योर भी हैं। आर्या सबसे अधिक एशियानेट के कॉमेडी शो बधाई बंगलो के लिए जानी जाती हैं। बात की जाए एक्टिंग की तो वो मलयालम टीवी सीरियल त्रिधनम में पूजा प्रसाद का रोल अदा करके फेमस हुई थी, जिसके बाद आर्य सरायू, इस्तम, काना कनमानी और एक्शन जीरो शिजू जैसे कुछ टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। वो लैला ओ लैला, थोपिल जोपन, एडवेंचर्स ऑफ ओमना कुतन और गनगन धरवन जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा एक मेज़बान के रूप में उन्होंने कई अवार्ड शोज भी होस्ट किए हैं। 2020 में आर्य मलयालम रियलिटी शो बिग बॉस 2 का हिस्सा बनी हैं। ये तो हुई उनके करियर से जुड़ी कुछ बातें। आइए अब आपका परिचय करवाते हैं आर्य की पर्सनल लाइफ से। तो दोस्तों, आर्या का जन्म 13 सितंबर 1990 को केरला के पलकुलंगारा शहर में हुआ था। इनके पिता सतीश बाबू तिरुवनंतपुरम के फोर्ट हॉस्पिटल में एक अकाउंट्स मैनेजर थे। उनका देहांत नवंबर 2018 में हुआ था। आर्या की माता का नाम प्रेमा सतीश बाबू है। आर्या के एक भाई भी थे जिनका देहांत अक्टूबर 2018 में हुआ था। आर्या का विवाह रोहित सुशलीन नामक एक आईटी इंजीनियर से हुआ था, जिनसे उन्हें एक बेटी रोया भी है। हाल ही में आर्या रोहित से हुए उनके सेपरेशन की खबरों को लेकर खूब चर्चा में थी। आपको बता दें कि आर्या अपने परिवार की इकलौती बहू नहीं है जिनका संबंध सिने उद्योग से है, बल्कि उनकी सिस्टर इन लॉ अर्चना सुशीलन और कल्पना सुशीलन भी फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि आपके पास इससे जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी हो तो प्लीज़ उसे हमारे साथ शेयर करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।